गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत बुधवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देकर भाजपा में शामिल हो गए। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। कांग्रेस को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वह पूरी तरीके से खोखली होती जा रही है। सिर्फ दिगंबर कामत ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस का यही रवैया नहीं सुधरा तो उनके ऐसे और भी कई सरप्राइज मिलते रहेंगे। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील झाकड़ जैसे न जाने कितने नेता पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बजाय भारत जोड़ो अभियान में लगी है। इससे कोई वोट बैंक नहीं पड़ने वाला। गोवा के तर्ज पर अभी और भी कई नेता पार्टी छोड़ेंगे और मैं यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। मेरी पूरी कामना भाजपा के हाथ में है, यह कहना है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बुधवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देकर भाजपा में शामिल हुए दिगंबर कामत का। आइए बात करते हैं दिगंबर कामत ने मीडिया से क्या अहम बातचीत की। मीडिया का पहला सवाल यह था, आप गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे भी रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने पार्टी का दामन छोड़ दिया? तो यही दिगंबर कामत ने जवाब देते हुए कहा, पार्टी को कोई लीडरशिप का तरीका नहीं था, खोखली पार्टी होती जा रही थी। कांग्रेस आला कमान और पार्टी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वहीं मीडिया का दूसरा सवाल यह भी था, कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, पार्टी के कई नेता दामन छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे में पार्टी की ओर से बनाए गए मुख्यमंत्री का कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ देना सवाल तो आप पर बनता ही है। तो वहीं दिगंबर कामत ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ मैं अकेला पूर्व मंत्री ही नहीं रहा जिसने साथ छोड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे बल्कि वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बल्कि कपिल सिब्बल बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के कई राष्ट्रीय सत्र के बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वे अपनी कमियां ढूंढने की बजाय नेताओं के जाने का बेकार के बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं मीडिया का अगला सवाल ये था, आपको पार्टी की इतनी ही चिंता है तो आपको यह बात पार्टी के फॉर्म पर भी रखनी चाहिए थी, क्या कभी आपने ऐसी बात अलगमान तक पहुँचाई? तो वहीं उनका जवाब यह था, वहाँ किसी के पास फुर्सत ही कहाँ थी, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। इतने बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, आज पार्टी की नजर में वह सब दगाबाज हैं। आप देखते रहिए, अगर यही हालात पार्टी के बने रहे तो कांग्रेस पार्टी को एक दिन सरप्राइज मिलता ही रहेगा। वहीं मीडिया का अगला सवाल ये था, कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको जो जिम्मेदारियां दी जानी थी वह नहीं मिली, इसलिए आप नाराज होकर पार्टी छोड़ गए। तो दिगंबर कामत का यह जवाब था, सवाल जिम्मेदारियों का नहीं, ना ही मिलने का है, सवाल तो पब्लिक का है। तो वहीं उनका जवाब यह था, सवाल जिम्मेदारियों के मिलने या ना मिलने का नहीं था, सवाल तो पब्लिक का था, सवाल जनता का है। जब उनके चुने हुए नुमाइंदों को पार्टी की ओर से काम करने की आज़ादी मिली नहीं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए पार्टी अलगमान कोई रणनीति और रूपरेखा तैयार भी नहीं कर रही तो क्या होगा? हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने तो हर 5 साल बाद जनता के बीच में जाना ही जाना है। तो वही मीडिया का अगला सवाल ये था, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन कीचड़ किया था, क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों को किसी ऑपरेशन के तहत भाजपा में शामिल किया है? तो वही उनका जवाब था, कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया इस बयान से स्पष्ट साबित होता है कि पार्टी को इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उनके नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि पार्टी के लोग इसको ना जाने कौन से ऑपरेशन की संज्ञा दे रहे हैं। मैं और हमारे कोई भी साथी किसी भी ऑपरेशन के तहत भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। अगला सवाल ये था, राहुल गांधी पार्टी नेतृत्व और कांग्रेस की पद यात्रा, अब इसके लेकर आप क्या सोच रहे हैं? तो वही दिगंबर कामत का यह कहना था, यह सब सोचने का काम अब हमारा नहीं है, जब काम हमारा था तो मैं पार्टी को हमेशा सचेत करता रहता था, तब ना तो वहाँ कोई सुनने वाला था और ना कोई जवाब देने वाला, अब यह काम कांग्रेस का है। लेकिन एक बात तो तय है, पद
रथ यात्रा में कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला है। तो देखना यह होगा कि दिगंबर कामत अब आगे क्या करने वाले हैं। हमारी नजर बनी हुई है सुर्खियों पे, तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।